The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hoon Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, humne aapse kaha tha ki mask mat pehno. अगर आप हेल्दी हो तो मास्क मत पहनो और हर जगह मत पहनो. अब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन जाके देख सकते हैं. नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 के ऊपर आप रिकमेंडेशन अगर देखेंगे जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे मिल जाएगी कि इस बीमारी के लिए किसको और कब मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, इस बारे में गाइडलाइन आ चुकी है कि पब्लिक को मास्क कब इस्तेमाल करना है. ऑल दो ये गाइडलाइन काफी दिन पहले आ गई थी लेकिन वीडियो आज मैं बना रहा हूं इस पे. सो ये मास्क की गाइडलाइन इसीलिए आई है क्योंकि जब भी ऐसी कोई बीमारी फैलती है तो सोशल मीडिया पे एक पैनिक फैल जाता है और जनरल पब्लिक को बोला जाता है बहुत ज्यादा कि प्रिवेंशन करो, मास्क पहनो, मास्क पहनो. इससे हो क्या जाता है प्रॉब्लम कि एक तो मास्क पहन लेने से एक गलत सेंस आ जाता है कि अब मैं सेफ हूँ, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है और हम जो दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि हाथ धोना वो भूल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं. और मास्क को दूसरा पहलू जो लोगों को नहीं पता होता है कि 6 घंटे 8 घंटे के ऊपर मास्क खराब हो जाता है. ये सारे मास्क डिस्पोजेबल होते हैं. डिस्पोजेबल मास्क आर नॉट सपोज टू बी वर्न ऑन अ डेली बेसिस सेम मास्क. सो एक ही मास्क को रोज नहीं पहन सकते हो आप, वरना आपको इन्फेक्शन होगा, ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इन्फेक्शन होने का. सो इसीलिए मास्क को लिटरली आपको फेंक देना होता है और उसको फेंकने का भी एक तरीका है, रोड पे नहीं फेंकना होता है, उसको डिस्पोज करने का भी एक तरीका है जो आज हम आपको बताएंगे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप अगर आके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आप रिकमेंडेशन देखोगे तो उसमें आपने बताया चलेगा, उसमें पता चलेगा कि किसको मास्क पहनना है. उसमें वो कहते हैं कि भी मास्क वैसे दो प्रकार के आ रहे हैं. एक तो हो गया आपका मेडिकल मास्क जिसमें 3 लेयर होते हैं जो कि आपका N95 वाले, और एक नॉर्मल मास्क आता है जो नॉर्मल आपका सर्जिकल मास्क आता है, जो सिंपल मास्क है, जो कि ऐसा मास्क आता है सिंपल सा. ठीक, तो ये नॉर्मल मास्क है, इसमें भी आप पट्टियां देख सकते हैं और N95 वाले भी मास्क आते हैं जो भैया आपने देख रखे हैं जो कैसे होते हैं. सो पहली बात जो सिंपल वर्ड में लिखा है, पर्सन हैविंग नो सिम्टम्स आर नॉट टू यूज मास्क, उनको मास्क नहीं पहनना है. जी हाँ, तो अपने घर में बैठ के तो मास्क पहनना ही नहीं है अगर आपको सिम्टम नहीं. अगर आपको सिम्टम है, सर्दी खांसी है, थोड़ा भी सिम्टम है तो मास्क पहनना है, फिर घर पे भी पहनना है, बाहर भी पहनना है और हर 8-12 घंटे में मास्क को अपने डिस्पोज करना है. ठीक, वो अलग. अब बात करें क्यों, क्योंकि अगर आप वो पहनोगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता ही है हाथ धोना है पूरे अच्छी तरह से, 20 सेकेंड मिनिमम, और 1 मिनट टाइम है तो पूरा धो, नहीं तो अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से बढ़िया से अच्छे से धो, 70% 60-70% वाले से. खांसी कर रहे हैं तो बगल में करो अगर मास्क नहीं है तो, और मास्क है तो मास्क में होगा, और अगर टिश्यू है तो टिश्यू को इमीडिएटली आपने फेंक देना है. मुंह हाथ नाक कान सबको हाथ नहीं लगाना है. ठीक है, फेस माउथ सबको, कान को लगा सकते हैं, और कोई भी इंसान जो खांस रहा है उससे 1 मीटर की दूरी में रहना है क्योंकि ये जो वायरस है ये क्लोज गिरता है आपके, 1 मीटर से कम गिरता है, 1 मीटर 2 मीटर से, 1 मीटर से कम है तो 1 मीटर 2 मीटर की दूरी में रहो. और अगर आपको घर पे रह रहे हो तो अपना मॉनिटर करो टेम्परेचर कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है. अगर आपको लग रहा है आपको क्या सिम्टम, कोई सिम्टम तो नहीं है, तो उसका वीडियो अलग से है, वो आप ढूंढ के देख सकते हैं कि अगर आपको सिम्टम है तो आपको क्या करना है. राइट, और अगर आप कोई हेल्थ केयर वर्कर है तो आपको मेडिकल मास्क चाहिए जिसमें 3 लेयर होते हैं, मिनिमम 3 लेयर वाले मेडिकल मास्क. अगर आप डॉक्टर हैं, अस्पताल में काम कर रहे हैं, या फिर अगर आपको बीमारी है, अगर आपको खांसी बुखार है तो 3 लेयर वाला मास्क आपको चाहिए होगा, या फिर N95 वाले मास्क पहन सकते हैं जो कि आप पहनेंगे और आपको हाथ धोते और बाकी सारे प्रिकॉशन करते रहना है. दूसरा टाइम जब आपको मास्क पहनना है, एक हेल्दी पर्सन को जब वो घर से बाहर किसी हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको मास्क पहनना है, कोई
बीमार पर्सन जो खांसी बलगम उसकी केयर करने वाले को केयर करते समय मास्क पहनना है, हाथ धोते तो रहना ही है हमेशा, और क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट है जो सस्पेक्ट केसेस हैं या ऐसी जगह जहां फैला हुआ है, आपको पता है आपके मोहल्ले में केस मिल गया, तब आपको बहुत सतर्क रहना है, तब आपको मास्क पहनना ही पहनना है। पॉजिटिव केस की बात कर रहा हूं, अफवाह की नहीं। अगर प्रॉपरली पहनोगे मास्क तो मास्क आपको 8 घंटे तक प्रोटेक्ट करेगा, एक मास्क। जैसे ही मास्क 8 घंटे हो गए मास्क चेंज होना चाहिए, जैसे ही मास्क बीच में अगर गीला हो गया तो मास्क चेंज करना चाहिए। दूसरा, मास्क को करेक्टली पहनना है, नाक मुंह और चिन सबके ऊपर फ्लेक्सिबल नोज पिन मेटल पिन आपके नाक में आनी चाहिए, प्रॉपर उसको दबा देना है और स्ट्रिंग को अच्छे से टाइट करना है। अगर स्ट्रिंग वाला है, रबर बैंड वाला है तो कान के पीछे जाएगा वो, ये रबर बैंड वाला ऐसे कान के पीछे जाएगा। मास्क को प्रॉपरली पहनना है आपको। जब आपने मास्क पहन लिया, मास्क उतारना पहनना छेड़ना छाड़ना नहीं है उसको। एक बार पहना, आप बाहर जा रहे हो, सोच के चलना है कि मास्क का बाहर वाला हिस्सा जो है वहां पर वायरस आ जाएगा, तो बाहर वाले हिस्से से तो टच ही नहीं करना है वायरस, मास्क को टच करना है तो सिर्फ और सिर्फ थ्रेड से टच करना है, वरना टच नहीं करना है मास्क को, राइट। और मास्क को अपने कान से हैंगिंग फैंगिंग नहीं छोड़ देना है कि छोड़ दिया हैंगिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और रिमूव करते समय भी ग्रेट केयर करनी है, रिमूव मास्क, रिमूव करते समय मास्क को यहां से नहीं पकड़ना है, वहां से नहीं पकड़ना है, आप मास्क को रिमूव करेंगे थ्रेड से या इस जगह से रिमूव करके उसको डिसइंफेक्ट करके, जी हाँ डिसइंफेक्ट करके फिर डिस्पोज ऑफ करना है। डिसइंफेक्ट करने का मतलब है कि आपने मान लेना है कि आपके मास्क में बाहरी साइड से इंफेक्शन है, ऑल्दो हो सकता है नहीं हो, लेकिन फिर भी यू शुड बी कंसीडर, इट शुड बी कंसीडर्ड पोटेंशियली इंफेक्टेड। और अगर कोई मास्क एक्चुअली में आपको पता ही है कि आपके आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, हॉस्पिटल में हो, ऐसे जगह पे हो, तो उस मास्क को डिसइंफेक्ट करना है। एक तो हॉस्पिटल में आप जो हॉस्पिटल में बायोहैजार्ड वाला येलो वाला होता है उसमें आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जनरल वेस्ट में नहीं डालना है उसको, ब्लैक वाले में नहीं डालना है उसको, येलो वाले में डालना है, क्योंकि अब ये पोटेंशियली इन्फेक्टेड है। डॉक्टर्स से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर्स के पास भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि हॉस्पिटल में जो मास्क पहन रहे हो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको या तो हॉस्पिटल में ही डिस्कार्ड कर रहे हो, तो येलो वाले उसमें 3 होते हैं, ब्लैक रेड येलो, राइट। ब्लैक इज फॉर जनरल वेस्ट, येलो इज फॉर बायोहैजार्ड इन्फेक्टेड वेस्ट, और येलो रेड जो ग्रीन वाला है वो रिसाइकल अपना जो ग्लव्स व्लव्स उसके लिए होता है, और फिर एक वो वाला अलग से आ जाता है जो दूसरे, राइट। उसके बाद मास्क को अगर डिसइंफेक्ट करने की बात आती है, तो मास्क को डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको 5% ब्लीचिंग सोल्यूशन या फिर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में उसको डिसइंफेक्ट करके डुबा के फिर उसके बाद उसको आपने या तो बर्न कर देना है, जला देना है, या तो दफन कर देना है। जी हाँ, ये इतना हैवी हर एक इंसान को करने की जरूरत नहीं है, इतना हैवी उसको करना है जो के नॉन पेशेंट का केयर कर रहा है, जो के ऐसा पता ही है इसमें पॉजिटिव आ चुका है उसकी केयर कर रहा हो, तो उसको इंसान को करना पड़ेगा, या एक डॉक्टर जो ऐसे पेशेंट की केयर कर रहा है उसको करना पड़ेगा, क्लोज कॉन्टैक्ट को करना पड़ेगा, राइट। ये जानकारी जरूरी है किसको करना किसको नहीं। आज तो भगवान भरोसे चल रहा है, सब 4-4, 8-8 दिन एक ही मास्क पहन रहे हैं, किसको क्या हो रहा है पता नहीं। आज स्टेज 2 में है इंडिया, पर 3 में ना चले जाए, इसलिए ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेनी है। मास्क पहन लोगे फिर भी हाथ धोना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक जनरल नॉन हेल्दी पर्सन मास्क पहन लेगा तो कोई नुकसान हो जाएगा, अगर आप डर रहे हो तो पहन लो, लेकिन रेकमेंडेशन जो है वो है कि अगर हेल्दी हो तो मास्क की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही है, तो कृपया जाके इसकी बात सुनिए। दूसरा, हाथ कैसे धोना है वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत लोग उसमें गलती करते हैं, कृपया वो वीडियो देखिएगा। सोप एंड वाटर इज मच बेटर देन एनीबडी एल्स एनीथिंग एल्स। और अब लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से बाहर कैसे जाना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, और वायरस को अंदर कैसे नहीं आने देना है, उस पे ध्यान दीजिए। बाहर से आने वाली कोई भी चीज़, बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ को सैनिटाइज करिए, कोशिश करिए सैनिटाइज करिए, और उसके लिए वो वीडियो देख लीजिए, बाहर से आने वाली चीज़ को कैसे रोकें। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन हुआ है, डरने की बात नहीं है, बाहर से आप अपने सामान ला सकते हैं, ज़्यादा लोग ना जाएं,
यंग लोग बाहर जाएं, बूढ़े लोग ना जाएं, बूढ़े लोग अंदर रहें, और जो जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिसको फ्लू खांसी है, वो कृपया बाहर ना जाएं, वो घर में रहें. थैंक यू सो मच. प्लीज शेयर द वीडियो. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.